Hare Krishna, Dandwat Pranam, Bhagavatam Purani Ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, Dandwat Pranam, Shlok number 2.3.19. Shvavitavaraha Ustrakhare Sanstutaha Purushaha Pashu नायात करना पथा उपेता जातु नाम गदाग्रज जातु नाम गदाग्रज. टॉपिक कुत्ता सुअर ऊंट और गदा. सबसे पहला है कुत्ता. जो कुत्ता होता है वो थोड़ी सी रोटी के लिए कभी इधर कभी उधर भागता रहता है. उसी प्रकार से जो मनुष्य है लगभग लाइफ के 20 या 25 साल तक स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद अपना रिज्यूम बनाते हैं. रिज्यूम बनाने के बाद जो अपनी जॉब ढूंढने जाते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती. दूसरा है सूकर. सूकर बहुत ही गंदी चीज़ खाता है और उसी में आनंद प्रदान करता है, जिसमें एक वर्णन भी आता है इंद्रिय का. इंद्रिय के गुरु उनको श्राप देते हैं तो वह सूअर बन जाते हैं. तो वह अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ अपना विष्ट खाने में आनंद लेते हैं. तो ब्रह्मा जी उनकी स्थिति देखकर उनके पास आते हैं, कहते हैं चलो तुम स्वर्ग लोक चलो. तो इंद्रिय ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि वहाँ पर ये सब खाने को मिलेगा. ब्रह्मा जी बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ बहुत ही अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा तुम्हें. तो इंद्रिय मना कर देते हैं, मुझे ये सब खाने को नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जा रहा. जो पी गए वह जाने नहीं चाहते. इसी प्रकार जो मनुष्य खाते तो हैं लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करते. तीसरा है ऊंट. ऊंट कटीली झाड़ी को खाता है. जब वह कटीली झाड़ी को खाता है तो उसकी जीवा से खून निकलता है. तो फिर ऊंट अपने सभी मित्रों को बुलाता है और कहता है देखो मित्रों इन झाड़ियों में से कितना अच्छा जूस निकल रहा है. उसी प्रकार से जो मनुष्य भौतिकतावादी में लगे रहते हैं वे अपने ही जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं. चौथा है गधा. गधा जो है बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है बस थोड़ी सी रोटी के लिए. तो इन चार प्रकार की तुलना की गई है उन मनुष्य से जो मनुष्य इन चार प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं. तो मनुष्य जानते नहीं है कि वास्तव में इससे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन जो मनुष्य भगवान की कथाओं में नहीं लगता तो वह वेस्ट ऑफ टाइम है. जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं में नहीं लगेगा तो वह इधर से उधर भटकता रहेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर मिलता रहेगा उसको. तो जो व्यक्ति है भगवान पुरुषों की प्रशंसा करते हैं तो उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति मिलती है. हम अपने माइंड को किस प्रकार कंट्रोल में कर सकते हैं, इसमें बताया है कि सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कान और जीव को भगवान के उच्चारण में नहीं लगाता वो उसी प्रकार उसके कान और जीव हैं. जिस कान का एग्जाम्पल दिया था सर्प के बिल से, जो सर्प का बिल होता है ना उसी प्रकार उसके कान होते हैं जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनता है. और जीव का उसी प्रकार से वर्णन बताया है सुखदेव गोस्वामी ने कि मेंढक की जीव के समान, जिस प्रकार मेंढक टर टर करके अब सांप को आमंत्रित करता है उसी प्रकार भौतिक जगत का जीव पाजल्प और व्यर्थ का वार्तालाप करके अपने काल को आमंत्रित करता है. वो अपना समय की बर्बादी कर रहा है क्योंकि हमें ये 84 लाख योनियों के बाद में ये शरीर मिला है और हमारा एक एक क्षण हमारे लिए बहुत मूल्यवान है. हमें अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. वो हम कब लगा सकते हैं, जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा. कहते हैं ना मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है. तो मन हमारा शत्रु कब होता है, जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के बारे का गुणगान नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान से आनंद का आदान प्रदान नहीं करते. जब हमारा मन हमारा शत्रु होता है वो हमारे ऊपर हैवी होता है, पर मन हमारा मित्र भी होता है. मन हमारा मित्र कब होता है, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं
और जोर जोर से कीर्तन का उच्चारण करते हैं। तो जब हम इस प्रकार करते हैं तो मन हमारा मित्र होता है। कहते हैं अभी हम जब हम भक्ति में नहीं होते तो हम मन के अनुसार करते हैं, जरा जरा सी बातों पे हम क्रोध कर देते हैं, सबकी बातों से हम क्रोध हो जाते हैं, कोई वो बात सही भी है तो कोई अच्छी है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता, बस हम दुखी हो जाते हैं। पर जब हम भक्ति में होते हैं तो हम हर चीज़ को समझ के करते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये सब चीज़ व्यर्थ की है और हम भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। जिस प्रकार मन पे हमारे पे अभी धूल पड़ी हुई है, वो धूल किस प्रकार बताइए, एक अंधेरे के प्रकार बताइए। जैसे इसमें श्लोक बताया था, श्लोक है सूर्य सम माया कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, कृष्ण कौन है, प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान बताई गई है। जब हम कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं तो हम ऑटोमेटिक इन चीज़ों से माया से दूर हो जाते हैं, अंधकार हमारे चित्त से वर्जित हो जाता है, चित्त से चला जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवणम करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम अपने कानों से श्रवण करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें भगवान की भक्ति का आनंद मिलेगा। और आगे बताया हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए भगवान का। तो चिंतन में भी बताया गया है कि श्लोक कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभावा यही जपे तारे कृष्ण उपजे भावा। हरे कृष्ण महामंत्र का जो कोई भी जाप करता है वह कृष्ण के प्रति अपनी संभावना को अति शीघ्र ही आकर्षित कर लेता है। तो कृष्ण नाम में इतनी पावर है, इतने ऑटोमेटिक शक्ति है कि वो जो भी कोई इसका जाप करता है वह भगवान के प्रति ऑटोमेटिक आकर्षित होता चले। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जीव हमारी जो हम कीर्तन करते हैं उच्चारण करते हैं तो हमारे जीव पे कृष्ण गोविंद नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और उसका हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है जो हम इस प्रकार से करते हैं। वो जब ही हो पाएगा जब हम भगवान का उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे हम कीर्तन कैसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस प्रकार कीर्तन करते हैं तो हम भगवान के साथ आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, जब भी हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।